किस्सों का आलम यह है कि खाकी का खौफ दिमाग पर तारी रहता है। ऐसे में अगर मैं आपको किस्सा सुनाऊं एक 7 साल के बच्चे का जो घर पर छापा मारने आए पुलिस वालों की तलाशी ले लेता है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? और फिर मैं अगर आपको बताऊं कि ये 7 साल का बच्चा जब 70वां साल पार करता है तो देश का पहला नागरिक बनता है, महामहिम बनता है, राष्ट्रपति बनता है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है मेरा और ये है पॉलिटिकल किस्से। आज का किस्सा प्रणव मुखर्जी से जुड़ा हुआ है। बात 1942 की है। महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो चुका था। देश के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता इस आंदोलन को सफल बनाने में जी जान से जुटे थे। ऐसे माहौल में बंगाल का बीरभूम जिला भी अछूता नहीं था। इस जिले में आंदोलन की कमान संभाल रखी थी स्थानीय कांग्रेस नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कामत किंकर मुखर्जी ने। कामत दास जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। जाहिर सी बात है, इलाके में प्रभाव था। बीरभूम जिले में इतनी प्रतिष्ठा कि आंदोलनकारियों के साथ साथ ब्रिटिश अधिकारी भी उनकी इज्जत करते थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी शुरू हुई तब कामदा किंकर मुखर्जी ने अपना घर छोड़ दिया। ऐसा उन्होंने पकड़े जाने से बचने के लिए किया, भूमिगत हो गए ताकि आंदोलन चलता रहे। और इससे पहले उन्होंने अपने घर में मौजूद सभी कागजात जो क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थे उन्हें बालू की भीत के नीचे दबवा दिया और बच्चों से कहा कि यदि पुलिस आए तो घर में तलाशी लेने देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कहीं वो कोई कागज अपने साथ लेकर घर में ना आए, क्योंकि फिर वो कहेंगे कि ये आपके घर से बरामद हुआ है। बच्चों ने पिता की हिदायत सुन ली और फिर कामदा किंकर मुखर्जी अपने घर से किसी गोपनीय स्थान के लिए निकल गए। उनके जाने के कुछ रोज बाद ब्रिटिश पुलिस का एक अधिकारी और 2 कांस्टेबल उनके घर पहुंचे, जहां उनका सामना कामदा के 7 वर्षीय बेटे प्रणव मुखर्जी से, जिन्हें प्यार से सब पोल्टू कहा करते थे, हुआ। और फिर पोल्टू ने पुलिसकर्मियों की तलाशी ली। घर के भीतर घुसते पुलिसकर्मियों को देखकर पोल्टू ने रोका और तलाशी लेने लगे। छोटे बच्चे की इस हरकत को देखकर पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल सन्न रह गए। पोल्टू की इस हरकत को देखकर ब्रिटिश पुलिस का वो अफसर फिर ठहाका मारकर हंसने लगा और बोला, ओनली अ टाइगर कुड बी बॉर्न टू अ टाइगर। इसके बाद जब तलाशी पूरी हुई तब पोल्टू ने उन सभी पुलिसकर्मियों से कहा कि मेरे घर का उसूल है और साथ ही मेरे पिता का निर्देश भी कि घर आया कोई भी व्यक्ति बिना खाना खाए वापस नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप लोग खाना खाकर ही जाएं। पुलिसकर्मियों को बालक पोल्टू की जिद के आगे झुकना पड़ा, खाना खाया, फिर रवाना हुए। किसे पता था कि वही बालक पोल्टू आगे चलकर पॉलिटिक्स का माहिर बनेगा, प्रणब मुखर्जी बनेगा, देश का राष्ट्रपति बनेगा। कितने पद, लोकसभा, राज्यसभा, सदन के नेता, रक्षा, विदेश, वित्त मंत्री और हमारे गणराज्य के, हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी के और भी किस्से आपको सुनाते रहेंगे। काफ़ी दिलचस्प है उनका पॉलिटिकल इतिहास और अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने खुद इसे अपने तई दर्ज भी किया है। आप देख रहे हैं ललन टॉप के पॉलिटिकल किस्से।